जय श्री केदारनाथ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जून मंथ की मौसम की अपडेट देने वाले हैं। अगर आप लोग जून के मंथ यानी कि इसी जून के मंथ में अगर आप श्री केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप खुद एक लोग जाना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप के साथ में आपके बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी ज़रूर बरतनी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है। कभी हल्की बूंदाबांदी होती है तो कभी तेज़ यहाँ पे बरसात होने लगती है। तो ये सबसे बड़ी मौसम की अपडेट है। अगर आप गौरीकुंड से यात्रा आरम्भ करते हैं तो आपके पास रेनकोट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बूंदाबांदी होती है उससे आप आसानी से बच सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पैदल यात्रा करिए, घोड़े की मदद आप यहाँ पे मत लीजिए, क्योंकि घोड़े अभी ज़्यादा यहाँ पे थक जाते हैं, लोग उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं जिससे दुर्घटना होने का भी आशंका रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जिन लोगों को अभी यहाँ पे श्री केदारनाथ के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहे थे, अब उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब वो लोग श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं, आसानी से उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप श्री केदारनाथ यात्रा आना चाहते हो थोड़ी सी आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी होगी मौसम को लेकर के, क्योंकि यहाँ का मौसम हर समय बदलता रहता है। कभी हल्की धूप खुलती है तो कभी यहाँ पे छांव रहता है और कभी बूंदाबांदी होने लगती है।